सबसे पहले बानी बताइए अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन है वो 2017 में कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 2019 में कंप्लीट की है। और उसके बाद मैंने अपनी बैचलर्स इन एजुकेशन की जो डिग्री है वो 2022 में कंप्लीट की है। मैं 1 टाइम नेट क्वालिफाइड हूँ और दिसंबर आप ये मान के चलिए कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जॉब मिल रही है, तो फिर तो आप ये जॉब छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? सर अभी नहीं सोचा इसके बारे में। तो फिर कब सोचोगे? व्हाट इज वेयर हाउसिंग? वेयर हाउसिंग एक ऐसी प्लेस है जहां पे हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद कुछ टाइम तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब उसकी नीड होती है तब हम उस टाइम पे उसको गुड्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तब तक हम उसको उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम उसको एक बेटर प्लेस पे रखते हैं। इसको हम वेयर हाउस कहते हैं जहाँ पे हम उन चीजों को रखते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है? ट्रायल बैलेंस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं? ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ एरर ऐसे टाइप के होते हैं जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी हमें पता नहीं चलते। उस टाइप के एरर इसके अंदर शामिल है, जैसे एरर ऑफ ओमिजन हो गया, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, या किसी रॉन्ग अकाउंट के अंदर हमने ट्रांसफर कर दी है, या एरर ऑफ कंपनसेटिंग है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस को बैलेंस शीट में कहां पर शो करते हैं? वर्क इन प्रोसेस को ये बैलेंस शीट के अंदर करंट असेट्स में इन्वेंटरी के अंदर जाएगा सर। हॉरिजेंटल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस में डिफरेंस बताइए। जो ओरिजेंटल एनालिसिस है ये टाइम पीरियड के ऊपर बनाया जाता है, जैसे 2 सालों के जो स्टेटमेंट है एक साथ शो किए जाते हैं। जैसे बैलेंस शीट के अंदर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डाटा इसके अंदर साथ दिखाया जाता है, और जो वर्टिकल होता है इसमें 1 ईयर का डाटा ही दिखाया जाता है, और इसके अंदर जो वर्टिकल है ये परसेंटेज के अंदर आप शो किए जाते हैं। और ये जो वर्टिकल होते हैं इंट्रा फर्म एनालिसिस में हेल्पफुल है, और जो ओरिजेंटल है ये इंट्रा फर्म और इंटर फर्म दोनों के लिए हेल्पफुल है। इसको हम तो एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, उससे रिलेटेड वो खुद ही डाटा को अक्वायर करता है और उसे अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, करके सीखने खुद ही करके सीखता है इसके अंदर। सर्वे एंड मार्केट स्टडी मेथड क्या है? इसके अंदर सर्वे मेथड के अंदर कुछ जो व्यक्तियों को चुन लिया जाता है जिनसे हमें क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनसे क्वेश्चन है उन पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चन को एनालाइज किया जाता है। इसमें जो रिलेटेड टर्म होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सिमेंटिक बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या है ये? सिमेंटिक बैरियर सिमेंटिक बैरियर ये लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर है, इसके अंदर किसी वर्ड के डबल मीनिंग या फिर किसी अर्थ या भाषा संबंधी के कारण हम कुछ शब्दों का अलग अर्थ समझ लेते हैं, ये सिमेंटिक बैरियर होते हैं। डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? जो डेप्रिसिएशन होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड चला जाता है, और इसे जो टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं पी एंड एल के अंदर है, जिससे डेबिट बैलेंस वो बढ़ा हुआ मिलता है क्रेडिट के कंपेयर में। बैलेंस शीट के अंदर जैसे डेप्रिसिएशन जो हम लगाते हैं वो असेट्स की वैल्यू में से रिड्यूस हो जाता है, तो डेप्रिसिएशन से असेट्स की वैल्यू वो घटी हुई दिखाई देती है। प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस है? प्रोविजन जो होते हैं ये हमें ज्ञात दायित्वों के लिए बनाए जाते हैं, जिनकी भी हमें ये लगता है कि ये जो हमारी लायबिलिटी है वो अराइज हो सकती है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और रिजर्व होते हैं ये प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं, जब प्रॉफिट होता है तो बिजनेस इनको क्रिएट कर लेता है, इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कैश क्रॉप के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं? क्या सर जायद की फसलें या कैश क्रॉप? इसके अंदर जो सब्जियां वगैरह है वो शामिल की जाती हैं? खरीफ की ये फसलें? खरीफ की फसलें में सर सरसों तो नहीं है सर, बोई कब गवार, जाती है? बाजरा,
बाजरा मूंग ये शामिल होगी सरकारी की फसल।